हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप हिमाचल। सो आज हम रिवाइज करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस। आई नो कि 50 क्वेश्चंस बहुत कम हैं क्योंकि हमें 12 महीने का करंट अफेयर को रिवाइज करना है। सो अगर मैं आप लोगों के लिए ऑडिबल विजिबल हूँ तो प्लीज़ एक बार मुझे चैट बॉक्स में थम्स अप दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम सेशन को शुरू करेंगे और भी लोगों को जुड़ने देते हैं क्योंकि मैंने थोड़ा पहले जो है सेशन को शुरू कर दिया है। सो गोल्डी भारत फर्स्ट, ठीक है। तो अगर मैं ऑडिबल हूँ प्लीज़ मुझे आप बता दीजिए, उसके बाद हम सेशन को शुरू करेंगे। मानसी डिम्पल, यस इट इज़ लाइव गौरव, ये लाइव सेशन है, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो करंट अफेयर है वो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और साथ ही साथ मैं चाहती हूँ कि जो आज का हमारा ये सेशन होगा ये सुपर फास्ट सेशन रहेगा, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर जो है आपने रेगुलरली हमारे जो पहले भी करंट अफेयर्स के सेशन चले थे उसमें भी आपने रिवाइज किए होंगे, तो आज जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा और हम सेशन को बहुत जल्दी से कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जिससे कि ना आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको इसका आंसर जल्दी से बताना है। गुड इवनिंग गौरव, ह्यूमन, डिम्पल, मानसी। सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन टेरिटरी हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू सेट अप डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स? दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर या फिर लद्दाख? तो आपके आंसर्स जितने जल्दी मुझे मिलेंगे उतना जल्दी हमारा सेशन भी ओवर होगा। भावना, गुड इवनिंग। प्रियंका, सी सी जे एंड के, तो सभी लोगों ने जिसका आंसर है वो दिया है सी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके साथ आपको और क्या ध्यान रखना है इसमें कि जो ये गुड गवर्नेंस गवर्नेंस इंडेक्स है इसको किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस, DARPG के द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। रिसेंटली इंडियन नेवी हैज डिसाइडेड टू इंडक्ट इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन कैरिंग ड्रोन कॉल्ड? तो जल्दी से मुझे सेकंड का भी आंसर दीजिए। जो फर्स्ट का आंसर है वो मुझे सभी का, जे एन के फर्स्ट का सी, जे स्मिथ, उषा ठाकुर, सभी ने इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है। गौरव शर्मा ने सबसे पहले इसको आंसर किया है, वरुणा, भावना, गोल्डी, प्रियंका, अरुण कुमार, मानसी सेकंड का भी ओके। इसके साथ साथ ही जिन लोगों को इसका आंसर आता है आपको प्रचंड के बारे में भी बताना है, वसुकी के बारे में भी बताना है और विक्रांत के बारे में भी बताना है, क्योंकि जितने भी इसमें ऑप्शन है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको इन सभी के बारे में पता है, वासुकी, विक्रांत और प्रचंड, तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो, अदरवाइज आपको इन सबके बारे में पता होना चाहिए। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है वरुणा, ठीक है। और हमारा जो प्रचंड है वो क्या है, फर्स्ट इंडिजिनियसली मेड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। और जो हमारा विक्रांत है ये था हमारा फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर। तो ये चारों के चारों जो स्टेटमेंट्स थी वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट थी, प्रचंड, ठीक है। तो इन चारों के बारे में आपको ध्यान में रखना है, अदरवाइज यहाँ पे एक्सप्लेनेशन गिवन है तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री आपको बतानी है। करेक्ट स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड हर स्टार्ट अ स्टार्टअप प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर एट गुजरात यूनिवर्सिटी। सेकेंड स्टेटमेंट है, द पहाड़ी कम्युनिटी इन जे एंड के हैव रिसेंटली ऑब्टेन्ड शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस। थर्ड है, कांगड़ा पुलिस हैज लॉन्च्ड सत्यनिष्ठा ऐप, दिस ऐप हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर क्राइम कंट्रोल एंड इन्वेस्टिगेशन। तो थर्ड का क्या आंसर होगा, थर्ड का क्या आंसर होगा? सिर्फ अरुण कुमार और भावना और प्रियंका ने ही इसका आंसर दिया है, मानसी, आयुष इसका आंसर थर्ड का सी दे। देखो तीन स्टेटमेंट्स है तो यानी कि आपको तीन फैक्ट इसमें पूछे गए हैं, तो आपके तीनों फैक्ट इसमें रिवाइज हो रहे हैं। गौरव शर्मा को इसमें डाउट हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो बाकी है वो सभी ने इसका 1, 2 एंड 3, तो ये तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट्स है ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो सत्यनिष्ठा ऐप जो है ये कांगड़ा पुलिस के द्वारा लॉन्च की गई है, इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जे एंड के को जो पहाड़ी कम्युनिटी है उसको एससी का स्टेटस मिला है, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। और हर स्टार्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, गुजरात यूनिवर्सिटी में, तो सी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, यहाँ पर आपको दे रखे है प्रोटेक्टेड एरियाज और उसके साथ है उसका स्टेट एंड यूटी, ठीक है। तो जल्दी से मुझे बताइए कि जो कोनो नेशनल पार्क है, रानीपुर टाइगर रिजर्व है, नन जारायन टैंक सेंचुरी और डार्क स्काई रिजर्व है, ये कहाँ पर है? तो जो
गोल्डी, अमित ठाकुर, जे स्मिथ, श्वेता ने इसका जो आंसर दिया है डी। कूनो है आपका मध्य प्रदेश में, डार्क स्काई रिजर्व है लद्दाख में, ठीक है। तो जो आपका आंसर है वो है डी, जो कि सभी ने बिल्कुल इसका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट दिया है, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख लेना जब आपको पीडीएफ मिल जाएगा इस पीपीटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग हैज टेकन चार्ज एज इंडियाज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी इन अप्रैल 2022। गौरव शर्मा, अगर आपको किसी में डाउट है तो आप हमारे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए, फिफ्थ का जो आंसर है वो मानसी, भावना, प्रियंका, अमित ठाकुर, संजीव ठाकुर, गौरव कवात्रा। वेरी गुड। तो जो हमारे विजय मोहन कवात्रा है, ठीक है, वो है हमारे इस टाइम पे इंडिया के न्यू फॉरेन सेक्रेटरी, और इससे पहले कौन थे हमारे, हर्षवर्धन श्रृंगला जी, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। दो फैक्ट है इसमें, रिसेंटली रुपे डेबिट कार्ड इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड एट ओमान। सेकंड है, द थीम ऑफ द 6th इंडिया मोबाइल कांग्रेस हेल्ड एट दिल्ली वॉज न्यू कनेक्ट यूनिवर्स, ठीक है। जो ये स्टेटमेंट है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, भूपेंद्र ठाकुर भूपी ए, आपसे देखो यहां पे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट। ओके गौरव, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन तो जल्दी से बताइए। अरुण कुमार ने 6 को स्किप करा है, न्यू डिजिटल, मानसी चौधरी, वेरी गुड। जो आपकी यहां पर थीम है वो न्यू कनेक्ट यूनिवर्स नहीं है, वो है आपकी न्यू डिजिटल यूनिवर्स, ठीक है। तो इसीलिए जो दूसरी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो जो हमारी 6th इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यू दिल्ली में, वहां पर थीम थी न्यू डिजिटल यूनिवर्स, यहां पर प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च करी है 5G सर्विसेज, ठीक है। तो इसलिए ये जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट। ललित, भाषिन, अनिश, दयाल सिंह, संदीप कुमार गुप्ता या फिर विवेक लाल। तो जल्दी से मुझे बताइए कि इसका क्या आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 का ह्यूमन, आप प्लीज अपने आंसर्स के साथ क्वेश्चन भी मेंशन करो कि आप किसका आंसर बता रहे हो। संजीव ठाकुर, भूपेंद्र ठाकुर, मानसी, सिमरन कौर, 7th का बी और सी। इसमें देखो बहुत सभी बच्चों को, डिम्पल इसको स्किप करा है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है विवेक लाल। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय यूनाइटेड स्टेट प्रेजिडेंट किसको दिया है, विवेक लाल को दिया है, ठीक है। तो ये आपके टीम मेंबर टू दी नाटो के भी थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद पेंटागन, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बैंड ट्रेडिंग एंड माइनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो जल्दी से मुझे बताइए। विदेश चौहान, देखो विदेश, प्रियंका, ठीक है, ह्यूमन, जो भी आप आंसर्स देते हो, ठीक है, उसके सामने उसका क्वेश्चन नंबर भी डालना है कि आपने 6th का दिया है, 7th का या फिर 8th का। गुड बॉय ने 8th का दिया है, बी। तो जो आंसर, जिन्होंने आंसर बी दिया है, बी इज द करेक्ट आंसर, बट जो डी आंसर दे रहे हैं, डी नहीं है, इसका आंसर है बी। तो चाइना ने बैन करा है ट्रेडिंग एंड माइनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज द मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-2022 अवार्ड एट इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन अवार्ड 2022। मनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, पीआर श्रीजेश या फिर रुपिंदर पाल सिंह। भावना शर्मा ने 9th का आंसर क्या है, हरमनप्रीत सिंह। गौरव ने 9th का सी। देखो बहुत सारे लोग इसमें भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, कोई बी, ए, बी, सी सभी आंसर दे रहे हैं। सिमरन कौर ने भी हरमनप्रीत सिंह दिया है, ठीक है। साहिल चौधरी ने भी हरमनप्रीत। हिमांशु शर्मा ने सी। देखो जिसका करेक्ट आंसर है वो है बी, हरमनप्रीत सिंह। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन अवार्ड जो 2022 में हुआ था, ठीक है, उसमें हरमनप्रीत सिंह को मिला है मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-2022, ठीक है। इसके साथ दो अवार्ड्स और भी गिवन है, इसको आप पीपीटी में देख सकते हो बाद में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो बहुत सारे मुझे मिक्स्ड आंसर्स मिले हैं, तो प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको बहुत कन्फ्यूजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, नोबेल प्राइज 2022, ठीक है, नोबेल प्राइज 2022
और ये है किस फील्ड में मिला है किसको, ठीक है? तो जल्दी से मुझे बताइए, आई होप ये भी सभी को ही पता होगा कि कौन सी फील्ड में किसको नोबेल प्राइज मिला है, क्योंकि नोबेल प्राइज का जो क्वेश्चन है, भावना शर्मा ने नोबेल प्राइज नहीं पढ़े अभी, तो उन्होंने स्किप करा है, गोल्डी ने भी स्किप करा है, बी और डी कंफ्यूजन, देखो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। संजीव ठाकुर 10th का सी, पवन शर्मा 10th का सी, ट्रिकी सी, कल करने हैं नोबेल प्राइज, गुड बॉय ने, ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इजी है, सबांदे पापो को मेडिसिन में मिला है, ठीक है, जो आपका बार्टोजी, मॉर्टन और बेरी शार्पलेस है, इनको केमिस्ट्री में मिला है, ठीक है, और लिटरेचर में आपका एनी ऑनिक्स को मिला है, और जो फिजिक्स है वो है आपका एलिन जॉन और एंटोन, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है सी, ठीक है। इसके लिए देखो ट्रिक हो सकती है, सबकी अब अपनी ट्रिक्स हो सकती है, इसीलिए जब भी आप इनको पढ़ो तो अपनी ट्रिक्स के साथ इसको पढ़ो, ठीक है। तो ये आप इनको ध्यान में रखने हैं। देखो ये है आपका सेवंते पापो जिनको मेडिसिन में मिला है, और ये है आपके केमिस्ट्री वाले, और ये है फिजिक्स के। नेक्स्ट है हमारे जो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर एनए आर्नेक्स, और जो पीस, पीस में भी आपको याद रखना है, ठीक है, मेमोरियल जो कि रशिया से है, और सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टी यूक्रेन और एलिस को इसमें पीस जो नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। जितने भी नोबेल प्राइज है उसको जरूर पढ़ के जाइएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 11, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर रिफाइनरीज एट HPCL, तो इसका क्या आंसर होने वाला है? वॉइस नॉट कमिंग, गौरव शर्मा ने इसको स्किप करा है, नैन्सी 11th का ए, अमित ठाकुर 11th का सी, ओके सी, सी देखो इसका आंसर नहीं है, ओके ओके नैन्सी, जे स्मिथ 11th का सी, देखो मेरे पास जो इसका आंसर है वो है एस भारथन, ठीक है, तो एस भारथन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है एस भारतन, ठीक है। तो सब पहले मानसी ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, क्योंकि मानसी ने इसका आंसर, सिमरन कौर ने भी इसका आंसर बी दिया है, तो वो पहले थे, ठीक है, विनोद जो थे वो पहले थे, ठीक है, अभी कौन है? एस भारतन। क्वेश्चन नंबर 12, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, सुजॉय लाल थॉसन हैज बीन अपॉइंटेड एज 37th डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF जो है। नेक्स्ट है अनिश दयाल सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस IDPP, तो इसमें से दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही होगा? जे स्मिथ ने 12th को स्किप किया है, प्रियंका भारद्वाज, देखो अगर कुछ नहीं पता होता तो उनको स्किप कर देना चाहिए, ठीक है, अगर आपको थोड़ा आपने पढ़ा है, आइडिया है। देखो NT का जो एग्जाम है ना उसमें 1/4 आपकी क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, तो अगर आपको दो ऑप्शंस भी आते होंगे ना तो उसको जरूर करके आना है। गोल्डी ने, बहुत सारे बच्चों ने इसको स्किप करा है, इसका करेक्ट आंसर है बोथ 1 and 2, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड वॉज गिवन टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो एबे इन 2021, हु हैज बीन शॉट डेड रिसेंटली ड्यूरिंग एन इवेंट इन द नारा रीजन, ठीक है, आपने सभी ने देखा होगा, ठीक है, जो शिंजो एबे जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे जापान के, ठीक है, तो इसका जो आंसर है 13th का जो आंसर है, मैक्सिमम बच्चे जितने भी है सभी का बिल्कुल करेक्ट है, पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड डेडिकेटेड मेडिकल डिवाइस पार्क इन हिमाचल प्रदेश एट, हमारे नहीं जापान के थे, ओके ओके साहिल चौधरी, गौरव शर्मा, देखो अटेम्प्टेशन डिपेंड करता है हमारे एग्जाम पे कि हमारा एग्जाम कैसे आया है, ठीक है, अटेम्प्टेशन कहता है कि जो आपको बिल्कुल नहीं आता है उसको नहीं अटेम्प्ट करना है, सो इसका आंसर है ए नालागढ़ सोलन, ठीक है, तो ये सभी को आता है, वेरी गुड। सो जो एम्स बिलासपुर में खुला है इन सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, तो सभी ने
जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक दिया है. क्वेश्चन नंबर 15. द इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, अक्टूबर 1st, अक्टूबर 3rd, अक्टूबर 4th या फिर अक्टूबर 5th. जल्दी से मुझे बताइए कि इसका क्या आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 15 का, 15th का गौरव शर्मा ने इसको स्किप करा है. शीतल शर्मा अभी मानसी 15th का इसको भी बहुत सब लोग स्किप कर रहे हैं. 1st अक्टूबर साहिल चौधरी, वेरी गुड. नैन्सी, भावना, ठीक है. प्रियंका, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है. इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्ड पर्सन मनाया जाता है 1st अक्टूबर को, ठीक है. तो रिलेटेड जिससे थीम है वो भी एक बार आप इसको देख के जा सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट बायो विलेज हैज बीन सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा या फिर मेघालय. देखो, जो आप लोग सब बातें कर रहे हो कि कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, ये सब करता है डिपेंड क्वेश्चन पेपर पे, ठीक है. तो आप अपना काम करो, जब भी पेपर देने जाओ वहां पे अच्छे से एग्जाम को देकर आओ. 16 का जो आंसर है वो है सी. सी मतलब त्रिपुरा, वेरी गुड. तो मानसी चौधरी, वेरी गुड. नैन्सी, 16 का सी. तो जो हमारा इंडिया का फर्स्ट बायोवेरी सेटअप है वो आपका त्रिपुरा में सेटअप हुआ है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स. जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर. 17th का क्या आंसर होने वाला है. 17th का 157 के बीच. तो सभी को पता है कि जो इंडिया का रैंक है वो है 150, ठीक है. लास्ट टाइम हमारा जो रैंक था वो था इंडिया का 142, इस बार है 150, ठीक है. तो नीचे ही गिरा है. इसको जो निकालता है वो जो है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, पेरिस बेस्ड एनजीओ है ये, ठीक है. शीतल शर्मा ने, ओके, वेरी गुड शीतल. सिमरन कौर, 152, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. रिसेंटली वर्ल्ड मुस्लिम लीग हैज सेलिब्रेटेड गांधी जयंती फॉर द फर्स्ट टाइम. दिस इवेंट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई या फिर इजराइल. ठीक है, आपको पता है कि जो गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं एनटी में वो ज्यादा पूछे जाते हैं. तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी सभी को पता होना चाहिए. नैन्सी ने 18th का सही आंसर किया है. भावना नॉट श्योर, सिमरन बी, प्रियंका सी, सी बी, मतलब कि इसमें भी बहुत सारे मिक्स्ड जो रिस्पॉन्स है वो मुझे मिल रहे हैं. बी और सी, सिमरन कौर, बी और सी. गोल्डी ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है, सऊदी अरेबिया, ठीक है. तो बी, जिन्होंने भी बी आंसर किया है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. तो ये है आपका, कहाँ पे सेलिब्रेट किया है, सऊदी अरेबिया, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. ये है आपकी जी, हाँ भावना, ये मिक्सचर्स है लास्ट जो हमारे लास्ट ईयर के भी है, इस ईयर के भी है, ठीक है. तो आप मुझे बताइए, लिस्ट वन और लिस्ट टू में आपको गिवन है एक्सरसाइजेस जो होती है, जैसे वरुणा किसके साथ, वरुणा किसके बीच में होती है, खंजर, पिच ब्लैक और लेमिते. वरुणा होती है आपकी इंडिया एंड फ्रांस, खंजर होती है किर्गिस्तान के साथ, पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया, लेमिते इंडिया एंड सेशल्स, ठीक है. तो यही नहीं है, इसके साथ बहुत सारी जो एक्सरसाइजेस है वो भी होती है, ठीक है. तो जो इसका आंसर है बी, मैक्सिमम बच्चों का जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है. ये बिल्कुल आप लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है इसका, ठीक है. इंडिविजुअली भी इसको याद रखना है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. विच स्टेट हैज बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट प्राइज इन द नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022. किस स्टेट को फर्स्ट प्राइज मिला है नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022. 20th का क्या आंसर होगा. नैन्सी, 20th का डी. साहिल चौधरी से फंसते ही रहते हैं ना. तो इसका क्या आंसर है, जो इसका आंसर है उड़ीसा. उड़ीसा सभी ने बिल्कुल ही
ठीक है, उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, विदेश चौहान ने भी बिल्कुल ठीक आंसर दिया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ऑपरेशन मेगा चक्रा विच रिलेट्स टू द केसेस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल ऑनलाइन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इंडियन आर्मी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स या फिर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मुझे जल्दी से इसका आंसर बताइए कि इसका क्या आंसर होने वाला है. मानसी मान ओके सीबीआई, सिमरन डी, अमित, गौरव, गोल्डीन एन सी, साहिल चौधरी, अरुणा रानी, सभी ने इसका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट दिया है, सीबीआई. ठीक है, तो ऑपरेशन मेगा चक्रा सीबीआई. देखो, अगर आपको बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती है तो कुछ दो चीज़ों को पकड़ लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑपरेशन मेगा चक्रा सीबीआई. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, जिसको कि डार्ट के नाम से जाना जाता है, स्पेसक्राफ्ट विच वॉज रिसेंटली क्रैश्ड इनटू अ स्मॉल एस्टेरॉयड नेम्ड डिमोफोस हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसीज. क्या आंसर होगा इसका? देखो, जो हमारे लास्ट 12 मंथ्स के जो करंट अफेयर है, ठीक है, उसको कोशिश करनी होती है कि उसको पढ़ के जाए. एग्जाम में तो देखो कुछ भी पूछा जा सकता है, बट सेफर साइड के लिए हमें लास्ट 12 मंथ्स के जो करंट अफेयर होते हैं उसको पढ़ के जाना चाहिए. तो इसका आंसर सभी के सभी बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं. जो आंसर है वो है हमारा बी, नासा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो मैं चाहती हूँ कि इसका आंसर भी सभी बिल्कुल करेक्ट दे. जगदीप धनखड़ हैज बीन इलेक्टेड एज अ डैश वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. कौन से वाइस प्रेसिडेंट बने हैं? गौरव शर्मा 16 तो बिल्कुल भी नहीं है, साहिल, संजीव, ट्रिकी, अमित, अरुणा, नैन्सी, जे स्मिथ, 14th है. जो 16th लिख रहा है 16th नहीं है, 14th हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, 14th. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, रिसेंटली वेस्ट जोन हैज डिफीटेड साउथ जोन दस लिफ्टिंग दिलीप ट्रॉफी. अब आपको बताना है कि जो ये दिलीप ट्रॉफी है ये किस स्पोर्ट से, किस खेल से ये एसोसिएटेड है. आई होप ये सभी को पता होगा, क्रिकेट. ठीक है, तो मोनिका सम्याल, संजीव ठाकुर, आयुष शर्मा, एक्स वाई जेड. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सी, क्रिकेट इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 25, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट स्टेट यूटी कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म एट द नेशनल टूरिज्म अवार्ड 2018 and 2019. ट्वेंटी फिफ्थ का आंसर प्रियंका, संजीव, मोनिका, आयुष, भावना, सिमरन, पवन, नैन्सी. ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो ये भी मेरे अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, भावना. ठीक है, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनिल चौहान. ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर. मैंने आपको पहले भी बोला था जितने भी हमारे आर्मी के जो चीफ्स है उन सभी के बारे में आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व हैज बीन सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 27th का सी. जो डुगोंग है ये हमारी सी काओ के नाम से भी हम इसको जानते हैं. 27th का सी, सी इज द पाकवे, तमिलनाडु और पाकवे. ठीक है, इज द करेक्ट आंसर. तो वेरी गुड, आप सभी का जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक था. क्वेश्चन नंबर 28, रिसेंटली फर्स्ट एवर फ्लोटिंग फोटो एग्जीबिशन हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स.
डल लेक, लोकटक, सांभर, छिलका। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 28, 28 का सिमरन नहीं, डल लेक इसका आंसर नहीं है। साहिल चौधरी, वेरी गुड। जे स्मिथ, वेरी गुड। शिवानी, अमित ठाकुर, भावना, हैप्पी। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, लोकटक। जो लेक है आपकी, जो मणिपुर में है, इसको फर्स्ट एवर फ्लोटिंग फोटो एग्जीबिशन के से हैज यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन था। रिसेंटली एन आई एस ए आर, सबसे पहले कौन बताएगा कि इसकी एन आई एस ए आर किससे रिलेटेड है? ठीक है, विच विल मेजर चेंजेस इन द सर्फेस ऑफ अर्थ हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? नासा, इसरो, जेक्सा। तो इन तीनों में से आपको बताना है कि जो निसार है, ठीक है, विच विल मेजर चेंजेस इन द सर्फेस ऑफ अर्थ हैज बीन डेवलप्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? नासा एंड इसरो। ओके, साहिल चौधरी, नैन्सी, आदित्य ए के, जे स्मिथ, सिमरन कौर, हिमांशु चंदेल। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है, जो हमारा नासा और इसरो है, ठीक है, सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन, ठीक है, जिसका कि मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल करेक्ट इसका फुल फॉर्म बताया था, तो इसको डेवलप किया गया है नासा और इसरो के द्वारा। ठीक है, यहीं से हमें इसका आंसर भी मिल जाता। क्वेश्चन नंबर 30, डैश इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज वंस कंप्लीटेड। भावना शर्मा, 30th का बी। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो जो चिनाब ब्रिज है, ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज होगा। ठीक है, तो देखो बहुत सारी चीजें हैं हाईएस्ट हाईएस्ट, तो हमें ये भी देख के चलना है कि वो क्या है, किस टाइप का ब्रिज है वो। ठीक है, तो ये क्या होगा? रेलवे ब्रिज होगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ डायमंड लीग ट्रॉफी 2022? 31 का क्या आंसर होगा? 31 का आंसर बताइए मुझे जल्दी से। 31st का आंसर क्या होगा? आयुष शर्मा, 31st का सी। मानसी ट्रिकी, सभी जो आंसर है नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो जो आंसर है वो मुझे बिल्कुल करेक्ट मिले हैं, तो नीरज चोपड़ा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था? ज्यूरिख में हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू गेट डिजिटल एड्रेस सिस्टम? जयपुर, हैदराबाद, इंदौर या फिर आगरा। संजीव ठाकुर, 32 का सी। नैन्सी, 32 का बी। सी बी। यहाँ पर भी देखो दो चीजों, दो जो गौरव ने स्किप करा है, कमल खेरा इंदौर, हिमांशु चंदेल बी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बी और सी में कंफ्यूजन है, सिमरन कौर को भी कंफ्यूजन है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी, जिन्होंने भी सी आंसर दिया है वो बिल्कुल ठीक है। जो फर्स्ट इंडियन सिटी टू गेट डिजिटल एड्रेस सिस्टम वो है आपकी इंदौर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलप्ड लिमिटेड साइन एनएमयू टू लॉन्च मोबाइल ऐप पता। ठीक है, देखो जो हमारा आज का मोटिव है वो है जल्दी से सेशन को कंप्लीट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज यूएन्स न्यू हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स? साहिल चौधरी, देखो नाम ना फाइनल लिस्ट में आना चाहिए, तब फायदा है कि जिससे सब देखे। यहां पे क्या है ना, 33 का आंसर क्या है? 33, मानसी चौधरी ने आंसर सही दिया है।
जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, वॉकर टर्क। तो यहाँ पे सिर्फ ईशा महाजन ने करेक्ट आंसर दिया था भावना का, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, ई आवास वेब पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज टू ऑपरेशनलाइज द इम्प्रूव्ड पॉलिसी ऑफ एलोकेशन एंड टू ऑल्सो इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन द एलोकेशन प्रोसेस। तो कौन सी मिनिस्ट्री है, ठीक है, आपको बतानी है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए कि क्या आंसर है इसका। 34 मिनिस्ट्री ऑफ भावना शर्मा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इज द करेक्ट आंसर। ई आवास वेब पोर्टल डेवलप्ड बाय और लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ऑपरेशन स्नो लेपर्ड वॉज लॉन्च्ड बाय विच आर्म्ड फोर्स। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको लगता है उसको, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको नोट करते रहो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, मानसी 35 का ए, दीपिका सैनी ने इसको स्किप करा है, साहिल आर्मी, ईशा महाजन, भावना, हिमांशु, गौरव शर्मा, आईटीबीपी, नहीं है इसका आंसर, ठीक है, ठीक है, जो आंसर है निरंजन सिंह, ठीक है, जिन्होंने भी इसका आंसर ए लगाया है, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, इसको जे स्मिथ 35 स्किप, एल्स डी, डी नहीं है आपका, है इंडियन आर्मी, ठीक है। आप देखो क्या कर रहे हो, आईटीबीपी इंडो टिबेटन से इसको कनेक्ट करके स्नो लेपर्ड वाला वो आइडिया लगा रहे हो, ठीक है। देखो गेस करना भी सही है कि आपका माइंड एटलीस्ट चल तो रहा है ना, आप सोच तो पा रहे हो कुछ तो, ठीक है, तो इसका बट करेक्ट आंसर क्या है, इंडियन आर्मी। क्वेश्चन नंबर 36, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। इसके बारे में किसी को नहीं पता हो, वेरी गुड साहिल चौधरी, वेरी गुड, तो तब मिलेगा जब फाइनलिस्ट में नाम होगा। आंसर इज बी, ठीक है, सभी का जो आंसर है वो है बी, तो इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, 36 नेशनल गेम्स 2022 वर हेल्ड इन अहमदाबाद गुजरात, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैस्कट ऑफ द गेम। ठीक है, तो ये बहुत टाइम के बाद हो रही है, ये जो नेशनल गेम्स है, ठीक है, काफी टाइम के बाद ये हो रही है, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो इसका आंसर है वो सभी को ही पता है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, लेकिन इसमें इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं है, तो ए जो है वो बिल्कुल, निरंजन सिंह ने इसको स्किप करा है, आई होप कि निरंजन अब आपको इसका आइडिया लग गया होगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी है। क्वेश्चन नंबर 38, द 13th एडिशन ऑफ इंडिया यूएसए जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2022 हैज रिसेंटली कल्मिनेटेड एट। कहाँ पर हुई है आपकी वज्र प्रहार? सबसे पहले देखो, वज्र प्रहार जो है वो हमारी होती है यूएसए के साथ, ठीक है, और ये हुई है बकलो चंबा में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। युद्ध अभ्यास, जो युद्ध अभ्यास है वो भी किसके साथ होती है, युद्ध अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 39, भाईखो जो फेस्टिवल है ये एक स्प्रिंग फेस्टिवल है जो कि किस स्टेट में सेलिब्रेट होता है। ठीक है, युद्ध अभ्यास भी हमारी यूएसए के साथ है। जो हमारी बकलो में जो एक्सरसाइज होती है उसको तो अच्छे से ध्यान रखना है। 39 का आंसर क्या है, 39 का आंसर, जो 39 का आंसर है वो सब सिमरन आंसर सी बता रही है, सी नहीं है सिमरन, ठीक है, जे स्मिथ, असम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, जो असम है वो है हमारा करेक्ट आंसर। शीतल, कमल, निशांत ठाकुर, गगन,
हिमांशु, साहिल, सभी ने इसका बिल्कुल ठीक आंसर दिया है. क्वेश्चन नंबर 14, एमिशंस गैप रिपोर्ट सम टाइम इन न्यूज इज रिलीज्ड बाय. जो एमिशन गैप रिपोर्ट है वो कौन निकालता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी? 40th का आंसर क्या होगा? 40th का आंसर बताइए. UNEP, सभी को इसका आंसर पता है. UNEP इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, विच सिटी हैज बीन रीऑर्गेनाइज्ड एज ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय द आर्बर डे ऑफ फाउंडेशन USA फॉर अ सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर? हैदराबाद, गुरुग्राम, आगरा या फिर विशाखापट्टनम? हैदराबाद इज द करेक्ट आंसर. इसके साथ कोई और एक सिटी को भी ट्री सिटी बोला गया है. ईशा, सोनिया धीमान, हैदराबाद एंड मुंबई, भावना. ओके, तो हैदराबाद के साथ मुंबई भी है, बट जो हैदराबाद है उसको कॉन्जिक्यूटिवली ट्री सिटी का जो एज अ ट्री सिटी रिकोगनाइज किया गया है. ठीक है, सेकेंड वन जो है कमल, वेरी गुड, वो है मुंबई. तो इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है. 42, रामसर लिस्ट से रिलेटेड है. ठीक है, तो आपको बताना है कि जो ये चारों है क्या ये रामसर साइट्स है. ठीक है, और आपको ये भी बताना है कि अभी जो प्रेजेंटली हमारी कितनी रामसर साइट्स है इंडिया में. तो इसमें जो है आपके पास खीजा दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गुजरात, बाखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन UP, सुल्तानपुर नेशनल पार्क इन हरियाणा, पोंग डैम इन हिमाचल प्रदेश. आपको करेक्ट बताना है, करेक्ट आंसर बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैव बीन इंक्लूडेड इन रामसर लिस्ट इन इंडिया, कि इनमें से कौन कौन सी जो हमारी रामसर साइट्स है. 42, प्रेजेंटली 75, गौरव, कमल, हिमांशु, ठीक है ये बिल्कुल करेक्ट है, प्रेजेंटली 75 है. और क्या इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए मुझे, इसका क्या आंसर होगा? मानसी चौधरी, लार्जेस्ट इन तमिलनाडु, और स्मॉलेस्ट कहां पर है? स्मॉलेस्ट भी बता दो फिर. जे स्मिथ, ओके, शीतल शर्मा, ऑल, आयुष, स्मॉलेस्ट कहां पर है? ठीक है, जो इसका आंसर है वो है ऑल ऑफ दी अबव, स्मॉलेस्ट इन हिमाचल प्रदेश, रेणुका. रेणुका जो है रामसर साइट वो हमारी सबसे छोटी है. हिमाचल में हमारी तीन है, चंद्रताल, पोंग डैम और रेणुका. क्वेश्चन नंबर 43, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2021 रिपोर्ट? कौन सा जो इंस्टीट्यूशन है वो रिलीज करता है हमारा द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, जिसको कि सोफा के नाम से भी जाना जाता है, उसको किसने? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, नाबार्ड, नीति आयोग या फिर वर्ल्ड बैंक? तो इसका भी सभी जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट, FAO. ठीक है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज द करेक्ट आंसर, ए इसका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 44, सेनकाकू आइलैंड इज डिस्प्यूटेड टेरिटरी लोकेटेड इन द, देखो ये बहुत न्यूज में रहता है ना, सेनकाकू आइलैंड जो है. ठीक है, क्योंकि इस पे कौन कौन क्लेम करता है? चाइना क्लेम करता है, जापान क्लेम करता है. ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा होगा, विनय ने इसको स्किप करा है, प्रियंका भारद्वाज ने 40, साउथ चाइना सी, मानसी चौधरी ईस्ट चाइना. देखो बहुत अभी ठीक है, चाइना एंड जापान, आयुष शर्मा, हाँ है ना, चाइना इवन किसको किसी और नेम से बुलाता है ना, जो चाइना है. 44 का, अब देखो अब सब ने बहुत सारे मिक्सचर आंदे. भावना शर्मा, यस, संजीव ठाकुर, ये जो इसका करेक्ट आंसर है वो ईस्ट चाइना, ईस्ट चाइना सी में है. ठीक है, और ये जो हमारा जापान और जो चाइना है, ठीक है, वो इसको आप अपना बोलते हैं, और चाइना इसको किसी और नेम से बोलता है, जिसको कि ड्यागाओ सुरभि शर्मा ने इसका को बताया भी है, और सेनकाकू को बोला जाता है जापान के द्वारा. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में चला रहता है ये, तो यहाँ पर ये मेंशन भी है, आप इसको बाद में देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर हैज बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर टू लीड 300 T20? कन्फ्यूज, क्या कन्फ्यूजन हो गई है? जेस, इट इज MS धोनी. 45th का सी,
45th का सी कौन बता रहा है? आयुष शर्मा नहीं, जे स्मिथ ने इसको स्किप करा है, कमल खेरा ने इसका आंसर। देखो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, सभी के आंसर बहुत ज्यादा जो है वो मिक्स आ रहे हैं, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है MS धोनी। ठीक है, जिन्होंने भी देखो ईस्ट चाइना जो है वो उसका करेक्ट आंसर है जे स्मिथ। ठीक है, तो MS धोनी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। रिसेंटली इन न्यूज, मई 2020 की का ये न्यूज है, वर्ल्ड हाइएस्ट वेदर स्टेशन हैज बीन इंस्टॉल्ड बाय नेशनल ज्योग्राफिक ऑन दी माउंट एवरेस्ट एट अ हाइट ऑफ। स्किप, प्रियंका भारद्वाज ने 46 को स्किप करा है। देखो यहां से आपके दो क्वेश्चन बन रहे हैं। फर्स्ट तो ये कि जो वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन है वो कहां पर है, वो आपका माउंट एवरेस्ट पर है। ठीक है, किसके द्वारा? नेशनल ज्योग्राफिक के द्वारा इसको इंस्टॉल करा गया है, और जो इसकी हाइट है वो है 8830 मीटर। तो इसको याद रखिएगा, 8830 मीटर। रोहित इज न्यू स्टूडेंट, ओके। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। लुशाए हामर गारो आर द ट्राइबल रेजिडेंट कॉमन टू महाराष्ट्र, गोवा, त्रिपुरा, झारखंड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए, किसका क्या आंसर होगा। फोर्टी सेवेंथ का आंसर इज, ठीक है, इसको अगर किस थोड़ा सा भी आपको 47th का जो आंसर है, 47th का सी, त्रिपुरा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। इन अप्रैल 2022 डैश बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव लीगल राइट टू वाइल्ड एनिमल। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लुशाई हिल्स भी है वहां पर। ठीक है, इसीलिए वहां पे लुशाई ट्राइब भी रहती है। विनय XYZ, नेक सिंह, आयुष, सोनिया धीमान, जो नैन्सी एंड और सभी ने इसका जो आंसर है वो इक्वेडोर दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। और इसको आपको याद रखना है, जो इक्वेडोर है आपकी, ये साउथ अमेरिकन कंट्री है। ठीक है, मैप को चाहे हिमाचल का हो, चाहे आपका इंडिया का हो, वर्ल्ड का हो, आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। विदिश चौहान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49। विच स्टेट इज टॉप्ड इन एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज बाय नीति आयोग। अगेन ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 49th का क्या आंसर होगा? 49th का आंसर, मानसी, विनय, गुड बॉय, प्रियंका, सौरभ शर्मा, हरीश ठाकुर। दैट इज गुजरात। ठीक है, स्मॉल स्टेट में गोवा। ठीक है, तो हाँ इसको आपको ध्यान में रखना है कि लार्जर स्टेट में है आपके पास, टॉप 3 में गुजरात, केरला और पंजाब, स्मॉलर स्टेट में है गोवा, त्रिपुरा और मणिपुर, यूटी में है चंडीगढ़, दिल्ली और दादर एंड नगर जो हमारी यूटी है। ठीक है, तो इसको और दमन एंड दीव, तो ये आपको खासकर जो लार्ज जो फर्स्ट फर्स्ट है, ठीक है, गुजरात, गोवा और चंडीगढ़, इनको याद रखना है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली वन वर्ल्ड फूड प्राइज 2022। अगेन ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो इसका आंसर है वो मुझे सभी ने, सिंथिया, सिंथिया रोजन विक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये मैक्सिमम लोगों ने इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड आज का सेशन। आई होप कि उम्मीद करती हूँ कि कुछ क्वेश्चंस हमारे एनटी में भी आ जाए इससे रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत वास्ट है करंट अफेयर। ठीक है, बट ठीक है, और ऑल द वेरी बेस्ट आप लोगों के एग्जाम के लिए।
ठीक है, जो आपका एग्जाम हो वो बहुत अच्छा हो. एंड थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच. आप लोग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है, इसीलिए जो मन है पढ़ाने का वो और ज़्यादा करता है. थैंक यू सो मच एवरी वन, एंड ऑल द वेरी बेस्ट.